क्लास 10th का गणित एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हल करने के लिए जा रहे हैं। इसमें क्या है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ कि कुछ जो है सवाल नीचे दिए गए हैं, जिसको हम लोग को क्या करना है कि पहले रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, उसके बाद उसको जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जैसा कि आप लोग जो है 3 का पहला नंबर देख रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। सबसे पहली बात ये कि हम लोग जो है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें जब ये दो चर वाली बात आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्या को अलग अलग चर में मानेंगे, तब उसको क्या करेंगे कि सोल्व हल करेंगे। तो पहले हम लोग जो है मान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहले दोनों संख्या मान लेते हैं आंसर में, कि माना कि पहली संख्या x है, पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। हम लोग ये दो बात पहले मान लिए। अब क्या है कि प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी दोनों का अंतर कितना है 26 है। अंतर का मतलब होता है घटाओ, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, और आगे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिर प्रश्न से या फिर प्रश्नानुसार एक संख्या मतलब पहली संख्या कह रहा है कि दूसरी संख्या से कितना है 3 गुनी है, यानी 3 गुना वाई, और इसको हम लोग एक्स माइनस 3y भी लिख सकते हैं। 3y को इधर लाए तो उधर क्या बचा, कुछ नहीं तो 0 बचा, ये इक्वेशन 2 हो गया। इस तरह हम लोग जो है क्या किए, समीकरण 1 तथा 2 के रूप में जो है लाए। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से और एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। इसलिए हम लोग इसमें लिख रहे हैं कि समीकरण 1 से जैसे ही हम लोग समीकरण 1 से लिखे हैं तो ये एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है। अब यहाँ पे एक्स इसको इज इक्वल टू हो जाएगा 26 प्लस वाई, ये इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे कि एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो 2 क्या है मेरे पास 2 है एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है। और अभी हम लोग एक्स का वैल्यू लेके आए हैं 26 प्लस वाई, यानी जहाँ पे एक्स रहेगा यहाँ हम लोग लिखेंगे कितना 26 प्लस वाई। ये हम लोग एक्स के स्थान पे लिखे, माइनस 3y है इसको लिख देते हैं माइनस 3y इज इक्वल टू 0, इसको भी हम लोग लिख दिए। अब क्या है कि 26 प्लस ये y प्लस में है माइनस 3y माइनस में, तो इसका हल हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये 26 प्लस में है दाईं ओर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा माइनस 26, यानी माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 26। सिर्फ वाई इज इक्वल टू माइनस 26 बाई माइनस 2, और जो है इससे जब हम लोग जो है भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना 13 आ जाएगा, यानी वाई का वैल्यू कितना निकला 13 निकला। अब हम लोग क्या करेंगे कि वाई का वैल्यू को इक्वेशन 3 में लिखेंगे, वाई का मान
समीकरण तीन में रखने पर, तो समीकरण तीन क्या है? समीकरण तीन है x बराबर 26 प्लस वाई, यानी x बराबर 26 प्लस वाई, ये इक्वेशन थ्री है। तो x अगर हम लोग लिख दिए 26 प्लस y का मान हम लोग अभी अभी निकाले हैं 13, तो x इक्वल टू कितना हो गया, इसको जोड़ देगा 26 और 13 ये हो गया 39। अब हम लोग लिख सकते हैं, अतः पहली संख्या इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना 39, और दूसरी संख्या इज इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना 13, ये हो गया आंसर। इस तरह यदि आप जो है इसको एग्जाम में सोल्व करते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और इसी एक्सरसाइज का तीन का ये दूसरा नंबर सवाल है कि दो संपूरक कोणों में, इसमें है क्या कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये दो नंबर सवाल है। अब इसको हम लोग बनाते हैं, तीन का दो, इसका आंसर देखिए। कह रहा है जिसमें दो संपूरक कोण में छोटा कोण और बड़ा कोण है, हम लोग जो है मान लेते हैं कि बड़ा कोण क्या है, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो जबकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो हम लोग क्या बोले कि दोनों को जो है अलग अलग चर में जो है मानना होगा। तो हम लोग लिख देते हैं कि माना कि बड़ा कोण क्या है कि एक्स है, तथा छोटा कोण वाई है, ये हम लोग मान लिए। अभी क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भी इसको हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण हम लोग का कितना है, यहाँ हम लोग लिख भी सकते हैं कि बड़ा कोण इज इक्वल टू छोटा कोण प्लस 18 डिग्री, तब ये क्या होगा कि बराबर होगा। तो बड़ा कोण कितना x है, इसके स्थान पे x लिख दिए, छोटा कोण y है, y प्लस 18 डिग्री, यानी यहाँ x हो गया, y को बाई ओर लाएंगे तो ये माइनस में होगा, तो माइनस y इज इक्वल टू कितना 18 डिग्री, ये इक्वेशन वन हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर क्या कह रहा है कि हम लोग क्या जानते हैं कि ये संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों में है ना, ये संपूरक कोण जो है दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं, और क्वेश्चन में दिया है कि दोनों क्या है, संपूरक है, इसलिए हम लोग लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी क्या है कि दोनों का योग कितना हो जाएगा, x प्लस y इक्वल टू 180, ये इक्वेशन टू हो गया। ये संपूरक क्वेश्चन में बोला है संपूरक है ना, दो संपूरक कोण, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, संपूरक बोला, बात यहाँ पे जो है सेट किए, तो ये कितना हो गया x प्लस y बराबर 180। समीकरण एक से तो समीकरण एक से लिखेंगे तो एक में क्या है, एक में है x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, इक्वेशन एक में है, तो यहाँ पे x बराबर कितना होगा 18 डिग्री प्लस वाई, वाई को दाई ओर लेके गए माइनस है तो प्लस हो गया, ये इक्वेशन हो गया थ्री। अब जो है x का मान हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, x का मान समीकरण दो में रखेंगे, इसलिए दो में रखेंगे क्योंकि x का मान हम लोग किससे प्राप्त किए हैं, इक्वेशन एक से प्राप्त किए हैं, और प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, यदि x का मान एक से लाते हैं तो दो में रखते हैं, और अगर दो से लाते हैं तो एक में रखते हैं। तो दो क्या है मेरे पास, दो है x प्लस वाई
इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक्स का स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग, 18 प्लस वाई, यहाँ एक्स है ना, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 18 प्लस वाई, और ये प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो है ये 18 डिग्री, ये वाई प्लस वाई तो 2y बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब ये 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब जो है 2y बराबर 180 में 18 अगर घटाएंगे तो 162 डिग्री होगा, तो सिर्फ y बराबर कितना 162 डिग्री बाई 2, यानी कटेंगे तो 9 8 16 है ना, 2 1 81 डिग्री। इस तरह हम लोग क्या देख रहे हैं कि y का वैल्यू कितना निकला, y का वैल्यू आ गया कितना 81 डिग्री आ गया है। इस तरह हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि y इक्वल टू कितना 81 डिग्री हो गया ना। फिर हम लोग क्या करेंगे कि y का मान को हम लोग 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 मेरे पास क्या है, 3 मेरे पास है x बराबर 18 प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या है 3 कि x बराबर 18 डिग्री प्लस वाई डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो गया 18 डिग्री प्लस y का मान कितना हुआ 81 डिग्री, डिग्री कहते हैं लिखें 81 डिग्री। तो अब x इक्वल टू कितना हो गया 8 1 9, फिर 8 1 9 99 डिग्री। अतः लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि अतः बड़ा कोण हम लोग क्या माने थे, बड़ा कोण इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 99 डिग्री, और छोटा कोण बराबर वाई बराबर कितना, वाई बराबर हम लोग लाए हैं 81 डिग्री। ये हो गया हम लोग का आंसर। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करेंगे, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे ताकि हर आने वाला वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।